नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बात करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, बिहार के नियोजित शिक्षकों की खबरों की, सक्षमता पास शिक्षकों की, बीपीएससी शिक्षकों की, 94,000 शिक्षकों की, तमाम तरह के शिक्षकों की हम इस खबर में चर्चा करते हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खबर आई है, क्या कुछ है नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए वैकेंसी आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे आज अपडेट। सबसे पहली और बड़ी खबर बता दें कि जो नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक के परीक्षा दिए, कह सकते हैं कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक व शिक्षक के रिजल्ट के लिए फिलहाल करना होगा अभी इंतजार। बीपीएससी ने 65% आरक्षण पर सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा है मार्गदर्शन। अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 25 अंक का वेटेज। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम 65% आरक्षण की सीमा पर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही रिजल्ट जारी करेगा। आयोग अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बीते दिन प्रेस वार्ता में बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से 65% के आरक्षण सीमा को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षक के 87,774, प्रधान शिक्षक के 40,247 तथा प्रधानाध्यापक के 6,064 पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम को लेकर कह सकते हैं जारी किया जाएगा, परिणाम जारी किया जाएगा। प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं परिणाम की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है वह प्रगति पर है। सूत्रों की अगर बात माने तो 15 अगस्त तक परिणाम जारी कर देना का लक्ष्य आयोग को रखा गया है। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक होगी। पुराने पैटर्न पर ही रिजल्ट जारी करने के प्रश्न पर खड़ा है बीपीएससी परीक्षा संचालन एजेंसी, तो फिलहाल शिक्षकों को भी इंतजार करना होगा। वहीं एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनकी काउंसलिंग अब 1 अगस्त से होगी। इनकी संख्या 1,87,818 है। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित किए गए जिले में ही 1 अगस्त से होगी। काउंसलिंग आवंटित जिले की DRCC यानी कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में होगी। काउंसलिंग प्रवाहन 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नियोजित शिक्षकों का पहला स्लॉट है प्रवाहन 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट जो है 12 से 1:30 बजे तक, और चौथा 1:30 बजे से 3 बजे तक, एवं पांचवा स्लॉट जो है 3 बजे से 4:30 बजे तक अपराह्न तक तय किया गया है। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धांत के हस्ताक्षर से बीते मंगलवार को ही जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की काउंसलिंग 1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 2 अगस्त से, स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षकों की काउंसलिंग 3 अगस्त से, मूल कोटि के उर्दू, कह सकते हैं कि उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग 5 अगस्त से होगी। एवं हम आपको बता दें कि इस तरह की काउंसलिंग को लेकर लगातार शिक्षा विभाग प्रयासरत कर रही थी। मूल कोटि के समान शिक्षकों की काउंसलिंग जो है 6 अगस्त से होने की सूचना बताई जा रही है। शिक्षकों के लिए तिथि एवं स्लॉट विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, इसकी सूचना भी संबंधित शिक्षकों को दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को अधिकतम 3 दिन की ऑफिशियली छुट्टी मिलेगी। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड होगी। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम निकलेगा। प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन बाद दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे। काउंसलिंग में मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नोकोत्तर प्रमाण पत्र, डीईएलएड
बीएड प्रमाण पत्र दस्ता बीटीटी एसटीटी सीटीटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो इस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया अब तेज होने जा रही है। सरकारी स्कूलों में एक सप्ताह चलेगा विशेष नामांकन अभियान। इसको लेकर बिहार के सरकारी विद्यालयों में एक सप्ताह तक प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान चलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बीते दिन सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के नामांकन की संख्या विगत 3 वर्षों से कम हुई है। इसके कारण राज्य की सकल नामांकन अनुपात एवं सकल नामांकन पर असर पड़ा है। वहीं हम आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। यह विशेष व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बदलाव रिजल्ट में शीघ्रता के साथ, और वहीं 19 से 22 जुलाई को होनी है परीक्षा। 404 केंद्रों पर होगा इसका आयोजन। पहले 5 मार्च को हुई थी परीक्षा, पेपर लीक पर इसे रद्द किया गया था। तो इस तरह से बीपीएससी इस बार सतर्कता से काम कर रही है। वहीं स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तय कराएंगे प्रधानाध्यापक। सही ढंग से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे अब चिन्हित। विभाग बैठकों में विभाग लगातार दे रहा है इसको लेकर दिशा निर्देश। बच्चों की कॉपियां भी देखेंगे अब अधिकारी, यानी कि बच्चा क्या कुछ पढ़ा है इसकी जानकारी जो है कक्षा में जाकर पदाधिकारी जांच कर्मी जो हैं वह बच्चों की कॉपी को देखकर प्राप्त करेंगे। अब एक और बात सामने आ गई है कि जहां स्कूलों के जांच होती है वहीं अब डीओ साहब के कार्यालय की भी जांच होगी, जिसकी शुरुआत पटना जिले से हो गई है। पूरे राज्य में डीओ कार्यालय का होगा निरीक्षण, पटना से हो गई है इसकी शुरुआत। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने के निर्देश पर सोमवार की सुबह 11 बजे विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय डीओ पहुंचे, जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। पता चला कि सभी पदाधिकारी और कर्मचारी जिला पदाधिकारी के बुलावे पर बैठक में शामिल होने गए हैं। विशेष सचिव के निरीक्षण के समय केवल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अरुण कुमार मिश्रा मौजूद थे। विशेष सचिव ने डीओ के कक्ष में पूरे दिन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर पूरे राज्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया जाना है, जिसकी शुरुआत पटना से की गई है। तो अब स्कूल के ही जांच नहीं, पदाधिकारियों के कार्यालय का भी जांच की शुरुआत हो गई है। वहीं सुदूरवर्ती स्कूलों में होगी 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के पुरुष शिक्षकों की तैनाती। भौगोलिक आधार पर 5 श्रेणी में बांटे गए हैं विद्यालय। बीमारी और उम्र के आधार पर होगी शिक्षकों की पदस्थापना। 1 अगस्त से शिक्षकों की काउंसलिंग का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों को 5 श्रेणियों में बांट शिक्षकों का पदस्थापन करने की मुड में है बिहार शिक्षा विभाग। तो वहीं शिक्षक संघ ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि सर्टिफिकेट जांच कर ट्रांसफर करना बिल्कुल गलत नीति है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के 9 निर्वाचित पदाधिकारियों की पहली बैठक बीते रविवार को संघ भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने की। शिक्षक और संगठन हित में 12 मुद्दों पर सहमति बनी। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग जल्द सभी शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच कराएगी एवं काउंसलिंग कर उनका स्थानांतरण करने की व्यवस्था करेगी, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह का निर्णय शिक्षा विभाग लेता है तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करेगा। वहीं हम आपको बता दें कि अधिकारी लगाएंगे जनता दरबार, होगी समस्याओं की सुनवाई। यानी कि जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी जो हैं अब हर शनिवार को शिक्षकों की समस्याएं सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। यह एक बड़ी अच्छी पहल मानी जाएगी। वहीं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों में भी अंतर जिला तबादले को जगी आस, यानी कि उनका अंतर जिला तबादला हो सकता है। स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तय होने के बाद फिर से लिए जाएंगे इसको लेकर आवेदन, यानी कि सभी तरह के शिक्षकों का ट्रांसफर जो है संभव है। बच्चों को अनुशासित रखने को स्कूल बनाएगा कार्य योजना। समय से बच्चे विद्यालय आए और विद्यालय अवधि में बाहर न जाएं। शिक्षकों को मिली यह जिम्मेवारी, लापरवाही पर शिक्षकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। बिहार शिक्षा समाचार के लिए लगातार आप कमेंट करते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें जो आपके काम के लिए काम की खबरें होती है आप हम चुनकर
लाते हैं, तो आपका इसी तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें भी उत्सुकता बढ़ती है, जागरूकता पैदा होती है कि हमारे साथ इतने लोग हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।